नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आप ही लोगों से। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा। भैया, आप किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं या नहीं देते हैं, या डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं? जी हाँ, इस बुक के माध्यम से भी कुछ बातें समझाने की कोशिश मैं करूँगा, लेकिन इसको तो आप नहीं खरीदोगे क्योंकि इसके तो 700 रुपये बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है आपको। आप एक क्वेश्चन करिए, बताइए कि कहीं मैन पावर ऑफिस होता है जो गवर्नमेंट अथोराइज मान्यता प्राप्त जो एक नंबर में काम करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, कल भी हमारे यहाँ पे एक इंटरव्यू था दुबई कंपनी का, उसमें पर्टिकुलर एक कंपनी का था तो ड्राइवर का जॉब था, एक ही जॉब था, समझ गए बात को। कंस्ट्रक्शन में अगर जॉब आता है तो टाइल मेसन, प्लम्बर, स्टील पिक्चर वगैरह 3-4 कैटेगरी के जॉब एक साथ में इंटरव्यू हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग में तो मेसन है तो मेसन में ऐसा ही होता है। जी हाँ, क्या आपने ऐसा कहीं देखा है? विथ एविडेंस दिखाऊंगा कि एक ऑफिस में एक साथ में 40 प्रकार के जॉब, समझने की बात है ना ये। जी हाँ, कतर के लिए एक कंपनी एक ऑफिस में 40 प्रकार के जॉब आए हुए हैं। आपको अगर आपने गलती से उस ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर लिया तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि सॉरी सर, ये आप वाला जॉब हमारे पास नहीं है। जी हाँ, उनके पास सब प्रकार के जॉब हैं। पहले आप लिस्ट देख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। तो जी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है, आप लोग जाओगे तभी कंपनी स्टार्ट होगी। डिस्काउंट कतर कंपनी, सीवी सिलेक्शन है, 11 मंथ का शटडाउन वीज़ा है। कैटेगरी देख लो, तनख्वाह देख लो भैया, एक से लेके 40 प्रकार की कैटेगरी हैं। सुपरवाइजर, ऑल फॉरमैन, इंजीनियर, पाइप फिटर, हेल्पर, वेल्डर, स्टील पिक्चर रिगर, कारपेंटर, गैस कटर, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, मेसन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, ग्रेंडर, प्लम्बर, मैकेनिकल इंजीनियर, डीजल मैकेनिकल इंजीनियर, बुर्स पेंटर, जेसीपी ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, डकमैन, इंसुलेटर, कैशियर, अकाउंटेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, हैवी टेक्नीशियन, पेंटर, पाइप फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रिशियन, इंजन, ऑफिस बॉय, सेंट बूस्टर, 6G वेल्डर। जी हाँ, यानी 40 प्रकार की जॉब एक ऑफिस में मायने रखता है भैया। कल हमारे यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था, बंदा खुद क्लाइंट आया था दुबई से, दुबई कंपनी का फोरमैन मान लो जो भी इंटरव्यू के लिए आता है, सिर्फ एक कैटेगरी की थी, सिर्फ ड्राइवर, तो ड्राइवर, ये नहीं कि 40 प्रकार के भर्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ऑफिस होती हैं, एजेंट होती हैं, उसमें ये गड़बड़ नहीं चलती। ये फर्जी जो एजेंट हैं, आपको इस तरह के लुभावने, कहने का मतलब ऐड इस तरह से बनाया जाता है कि एक बंदे ने कॉन्टेक्ट कर लिया, इसमें देखा यार सब जॉब है, हमारी भी है, तो आप 40 प्रकार से कितने जॉब ज़्यादा होंगे भाई, कहीं ना कहीं में तो आपको जाना ही है, उनसे कॉन्टेक्ट कर लोगे कम पैसे में, तुरंत प्रभाव से, सैलरी भी इतनी ज़्यादा दे रखी है, सीवी सिलेक्शन कंपनी आपको ले रही है। जबकि यहाँ पे मैन पावर ऑफिस में प्लम जो नॉर्मल कैटेगरी की जॉब होती है, उसमें भी दुबई से क्लाइंट चल के आता है, इंटरव्यू लेता है, फिर वो लेके जाता है आदमी को, बताओ। इतना डिफरेंस है मैन पावर ऑफिस में और फर्जी एजेंटों में। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन जैसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए जो कम पैसे, कम समय में, कम पैसे में, ज़्यादा तनख्वाह में आपको वीज़ा टिकट दे रहे हैं। जितना बच लोगे उतने आपके, नहीं बचोगे तो अगले के। समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।